हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। देखिए, आने वाले समय में जो भी एग्जाम है उनके पॉइंट ऑफ व्यू से ये करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। स्पोर्ट्स से कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर जो है पूछे जाते हैं। और अभी हाल में ही अभी देखो वर्ल्ड कप हुआ है, क्रिकेट का वर्ल्ड कप, महिला टीम के वर्ल्ड कप को भी आप इसमें इंक्लूड कर सकते हो, अंडर 19 के भी वर्ल्ड कप को आप इसमें इंक्लूड कर सकते हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वीडियोस को जो है ध्यान से आपको देखने की जरूरत है। एग्जाम में जो है आपको यहाँ से एक प्रश्न तो एटलीस्ट आएगा ही आएगा, इसकी मैं पूरी आपको गारंटी लेता हूँ। ये पिछले 6 महीने के जो भी करंट इवेंट हुए हैं उसके बारे में है। तो चलिए वेरी फर्स्ट क्वेश्चन से इसकी शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन देखो क्या है, आईसीसी अंडर 19 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप का आयोजन पहली बार कब किया गया था। तो देखिए अंडर 19 के बारे में आपसे पूछा जा रहा है, तो अंडर 19 की अगर मैं बात करूं तो 1988 में जो है इसका पहली बार आयोजन किया गया था। और याद रखिएगा किसने जीता, वेस्ट इंडीज ने जीता है इस वर्ल्ड कप को। और रनर अप टीम यानी कि हारने वाली टीम थी, पहले देखो यहां से ऑस्ट्रेलियन टीम जो है यहां पे जीत गई थी, याद रखना। और वर्ल्ड कप में जो है हारी थी वो कौन था, पाकिस्तान, जो कि फाइनल में ये हार चुका था। याद रखिएगा वर्ल्ड कप अंडर 19-20 का वर्ल्ड कप जो है, जो होता है वर्ल्ड कप, ये 19 साल के लड़कों का या फिर लड़कियों का, ये हर 2 साल में जो है वर्ल्ड कप आयोजित किया जाता है। यहां तक सारी बातें क्लियर हो गई हो, ऑप्शन इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। उससे पहले यहां से आप देख लो, ये मैंने बातें आपको बता दी है कि ये आईसीसी के द्वारा जो है आयोजित किया जाता है, प्रत्येक 2 साल में इसका आयोजन किया जाता है, ये बातें भी मैंने आपको बता दी। और पहले वर्ल्ड कप में जो है 8 टीमों ने पार्टिसिपेट किया था और विनर टीम कौन रही थी, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान यहाँ पे लूजर टीम रही थी, रनर अप टीम रही थी। आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। भारत पहली बार आईसीसी अंडर 19 मेंस वर्ल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप का जो है विजेता कब बना था। तो देखिए ये 2000 में जब टीम के कैप्टन कौन थे, मोहम्मद कैफ, याद रखिएगा कौन थे, मोहम्मद कैफ। और इस टीम में जो है सबसे अच्छा प्रदर्शन जिन्होंने किया था और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहे थे, यानी कि इस टूर्नामेंट में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी, उनका नाम था युवराज सिंह। ये भी आपको जो है याद रख लेना चाहिए, युवराज सिंह ने अंडर 19 वर्ल्ड कप में भी जो है प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड जीता है। और 2011 में जो वर्ल्ड कप हुआ था उसमें भी उन्होंने जो है ऑलराउंडर प्रदर्शन की वजह से वहां भी उन्होंने जो है ये जीता हुआ है। याद रखिएगा इंडिया जो है पहली बार 2000 में जीता हुआ है, लेकिन अभी तक टोटल इंडिया ने सबसे ज्यादा पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा 5 बार अंडर 19 वर्ल्ड कप का खिताब जीता है, 2000, 2008, 2012, 2018 और 2022 में हम लोग ये जीत चुके हैं। आई होप कि सारी बातें क्लियर हो गई हो। और कुछ चीजों को देख लेते हैं, यहाँ पे इंडिया 5 बार जीत चुका है, ये बातें मैंने आपको बताई थी। और जब पहली बार इंडिया जीता था तो उस टीम में जो है श्रीलंका में ये टूर्नामेंट हुआ था। और यहां से आप देख सकते हो, आपको यहां से ये देखो मोहम्मद कैफ आपको दिख रहे होंगे और भी खिलाड़ी आपको यहां से दिख रहे होंगे। कुल 16 टीमों ने पार्टिसिपेट किया था, भारत जीता था, उप विजेता टीम कौन रही थी, श्रीलंका, और भारतीय टीम के कैप्टन कौन थे, मोहम्मद कैफ। आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। वर्ष 2008 का आईसीसी अंडर 19 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप में भारत टीम के कप्तान कौन थे। तो देखिए 2018 के जो अंडर 19 का वर्ल्ड कप खेला गया था उसमें ये विराट कोहली जो है टीम के कैप्टन थे। और यहां भी जो है इस टीम ने जो है टूर्नामेंट जीता था, विराट कोहली की कैप्टनशिप में हम लोग अंडर 19 वर्ल्ड कप जीत चुके हैं। और हारा कौन था, हम लोगों ने साउथ अफ्रीका को हरा कर ये टूर्नामेंट जीता था। कुछ और चीजों को हम लोग देख लेते हैं। यहां से देखो मलेशिया में इसका आयोजन किया गया था, यहां से आप देख सकते हो विराट कोहली को कप के साथ, और विजेता भारत रहा था ऑब्वियस सी बात है। और फाइनल में जो टीम हार गई थी उसका नाम है साउथ अफ्रीका। भारतीय टीम के कैप्टन कौन थे, विराट कोहली, यहां से आपको कुछ फोटो दिख रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। अगला सवाल देखो क्या है, आईसीसी अंडर 19 मेंस वर्ल्ड कप जो 2022 का जो है, भारत ने किसे हराकर जो है अंडर 19 का ये वर्ल्ड कप जीता। अभी अंडर 19 के बारे में ही हम लोग बात कर रहे हैं। तो देखिए 2022 में जो है हम लोगों ने इंग्लैंड को हराकर ये जो है कप जीता है, किसे हराकर, इंग्लैंड को। और टीम के कैप्टन कौन थे, तो याद रखिएगा यश धुल जो है यहाँ टीम के कैप्टन थे। याद रखिएगा टीम के कैप्टन कौन थे, यश धुल, यहां से आप फोटो वगैरह भी देख सकते हो। कुछ और चीजों को देख लेते हैं, होस्ट कंट्री कौन थी, वेस्ट इंडीज। टोटल 16 टीमों ने पार्टिसिपेट किया था, भारत जीता था इंग्लैंड को हराकर, और यश धुल जो है टीम के कैप्टन थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 15th आईसीसी अंडर 19 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2024 किसने जीता है। तो देखिए 15th आईसीसी अंडर 19 की अगर मैं बात करूं तो इस बार के विजेता कौन है, ऑस्ट्रेलिया है, और इंडिया को हराकर, इंडिया जो है यहां पे रनर अप टीम रही थी, इंडिया ने जो है सेकंड पोजीशन यहां पे ग्रैब किया था। और कुछ चीजें और मैं आपको दिखा देता हूं यहां से।
ऑस्ट्रेलिया का ये फोर्थ टाइटल है, इंडिया 5 बार जीत चुका है, मैंने आपको पहले ही बता दिया है। क्वेश्चन स्टैटिक्स जीके का है, पूछा जा सकता है। उप विजेता भारत रही थी, हुआ कहाँ था? साउथ अफ्रीका में। प्लेयर ऑफ द सीरीज कौन थे? देखिए साउथ अफ्रीका के एक बॉलर है क्वेना, इसके बारे में और भी हम लोग आगे में मैंने एक अलग से जो है स्लाइड इसके लिए ऐड किया है। सबसे ज्यादा रन भारतीय टीम के कैप्टन उदय सरन, याद रखिएगा ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। भारतीय टीम के कैप्टन कौन थे? तो उदय सरन कैप्टन थे। सबसे ज्यादा विकेट, वही मैंने कहा ना कि जिन्होंने जीता है, साउथ अफ्रीका के जो बॉलर थे उनको यहाँ पे सबसे ज्यादा विकेट लेने का भी गौरव प्राप्त हुआ, और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी वही रहे थे। आगे बढ़े उससे पहले मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ, ये वीडियो आप कहाँ से देख रहे हो? नीचे कमेंट करके उस प्लेस का नाम आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, ताकि मुझे भी पता चल सके ये वीडियो कहाँ कहाँ तक पहुँची है, ये जो चैनल का परिवार है कहाँ तक पहुँचा हुआ है। आगे बढ़े उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, ऐसे ही करंट अफेयर्स की वीडियोज आपको आगे भी मिलते रहेगी। अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक कर दें। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 15th आईसीसी अंडर 19 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2024 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन रहा था? 2024 की बात हो रही है, अंडर 19 मेंस की बात हो रही है। तो देखिए मैंने अभी आपको बताया कि मैंने एक जो है स्लाइड अलग से रखी है, क्वेना मफापा जो कि साउथ अफ्रीका के बॉलर हैं इनको ये अवार्ड मिला है। उदय सरन भारतीय टीम के कैप्टन थे, याद रखिएगा इंडिया टीम के कैप्टन कौन थे? उदय सरन। यहाँ से आप जो है कुछ और चीजों को देख सकते हो, यहाँ से आप इनकी फोटो भी देख सकते हो, और यहाँ पे जो है ये कौन है आप नीचे कमेंट करके बताइएगा, इन कमेंटेटर का नाम आपको नीचे कमेंट करके बताना है। सबसे ज्यादा रन उदय सरन 397 और सबसे ज्यादा विकेट साउथ अफ्रीका के बॉलर ने लिया था। आगे बढ़ेंगे, वर्ष 2026 में आईसीसी अंडर 19 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप का आयोजन कहां किया जाएगा? 2026 में अंडर 19 आईसीसी वर्ल्ड कप की बात हो रही है, मेंस वर्ल्ड कप की। तो देखिए इसका आयोजन जो है आपको कहां देखने को मिलेगा? डी में, यानी कि जिम्बाब्वे में और नामीबिया, दोनों जगह पे आपको ये जो है वर्ल्ड कप देखने को मिलेगा। आगे जो है इससे और भी रिलेटेड एक क्वेश्चन है, वो भी मैं आपको बताऊंगा, और यहां से आप देख सकते हो जिम्बाब्वे और नामीबिया के द्वारा ये जो है 16th एडिशन कराया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आईसीसी अंडर 19 वुमेन्स वर्ल्ड कप 2023 किसने जीता? तो देखिए वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप किसने जीता है, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इंडिया ने, यानी हमने आपने इस वर्ल्ड कप को जीता है। किसे हराकर? तो याद रखिएगा हम लोगों ने किसे हराया था, इंग्लैंड को हराया था। ये भी जो है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये फर्स्ट टाइम वर्ल्ड कप अंडर 19 वर्ल्ड कप जो है महिलाओं का हुआ था, और इंडिया पहले बार में ही ये जीत चुकी है। तो ये क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा वीवीआई है, प्लीज इसे नोट डाउन आप कर लोगे, ठीक है। और शेफाली वर्मा, यहाँ से आप देख पाओगे, वेट मिनट, यहाँ से कैप्टन को भी देख पाओगे, एक्चुअली नहीं लगाई है मैंने फोटो। शेफाली वर्मा ने यहाँ पे टीम को लीड किया था, यहाँ से देख लीजिए पहली बार ये हुआ था, फर्स्ट टाइटल है इंडिया का, और रनर अप टीम कौन रही थी? इंग्लैंड रही थी। किस देश के महिला क्रिकेटर मैग लेनिन ने जो है संन्यास की घोषणा कर दी है? तो देखिए ये ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी थे, और इनके बारे में कुछ और चीजों को देखेंगे, यहां से आप इनकी फोटो भी देख सकते हो। इनके बारे में कुछ चीजें मैं बता दूं, इन्होंने टोटल अभी तक जो है ऑस्ट्रेलिया को 5 T20 वर्ल्ड कप जिताया हुआ है, 5 T20 वर्ल्ड कप इन्होंने जिताया है, साथ में 2 ODI वर्ल्ड कप भी इन्होंने जो है अपने कैप्टनशिप में जिताया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्रिकेट इतिहास में सबसे तेज अर्धशतक किसने लगाया? अगर आप युवराज सिंह या फिर एसएसबी जसवाल लगाने वाले हो तो गलत हो आप, दीपेंद्र सिंह एरी जो कि नेपाल के हैं, इन्होंने सबसे ज्यादा जो है तेज शतक लगाया। कितने गेंदों में? 9 ही गेंदों में इन्होंने जो ये सेंचुरी कंप्लीट कर ली है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, यहां से आप इनकी फोटो भी देख सकते हो। अगला सवाल देखिए क्या है, आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप पहली बार किस वर्ष आयोजित किया गया था? अब देखो ये अंडर 19 नहीं है, मेंस वर्ल्ड कप की बात हो रही है, तो 1975 में, और दूसरी बार जो है वेस्टइंडीज ने इसे जीता हुआ है, पहली और दूसरी बार वेस्टइंडीज ने, तीसरी बार इंडिया ने इस ट्रॉफी को जो है अपने नाम किया था 1983 में कपिल देव के कप्तानी में। खैर उसके बारे में हम लोग आगे में भी देख लेंगे, यहां से आप फोटो भी देख पाओगे, वेस्टइंडीज टीम 1975 में वर्ल्ड कप जीतने के बाद। प्रत्येक 4 साल में जो है ये टूर्नामेंट किया जाता है आईसीसी के द्वारा, जो है ये गवर्निंग काउंसिल होती है। विजेता पहली बार कौन रहा था? वेस्टइंडीज, और उप विजेता यानी कि रनर अप टीम कौन रहा था? ऑस्ट्रेलिया। आगे देखिए, भारत ने वर्ष 2011 में आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप किस देश को हराकर जीता था? श्रीलंका इसका सही जवाब हो जाएगा, श्रीलंका को हम लोगों ने फाइनल में हरा दिया था सेकंड बैटिंग करते हुए, और ये 10वां संस्करण था। इसमें देखिए आयोजन जो है भारत, श्रीलंका और बांग्लादेश के द्वारा किया गया था, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट मैचेस हैं वो इंडिया में ही कराए गए थे। उप विजेता टीम कौन थी? श्रीलंका थी। भारतीय क्रिकेट टीम के कैप्टन कौन थे? महेंद्र सिंह धोनी, और यहां से आप युवराज सिंह को देख पाओगे, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट युवराज सिंह को मिला था। इन्होंने अंडर 19 में भी जो है 2000 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड जीता है, तो ये क्वेश्चन आ सकता है।
निम्नलिखित में से किसकी कप्तानी ने भारत ने जो है पहली बार आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप का खिताब जीता है? तो पहली बार देखिए कौन है, कपिल देव, उसके बाद कौन है, महेंद्र सिंह धोनी। लिस्ट खत्म। आगे देख लीजिए, कुछ और चीजों को देख लेते हैं। यहाँ सबसे पहले आप कपिल देव की फोटो देख पाओगे। तीसरा संस्करण था और बहुत इसके ऊपर एक मूवी भी आई है शायद 83, आप देख सकते हो उसे। खैर अभी आपका एग्जाम है, एग्जाम के बाद आप इसे देख सकते हो ताकि आप क्रिकेट वर्ल्ड कप को, पहले वर्ल्ड कप को जो है आप जो है देख पाओगे कि कैसे कैसे मैचेस हुए थे। ठीक है, विजेता भारत रहा था और वेस्ट इंडीज यहाँ पे फाइनल में हार गया था। आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप के 14वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया जाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 14th एडिशन का जो है कहाँ पे किया जाना है, मैंने आपको बताया था ना अंडर 19 वाला, इसे कनेक्ट कर लेना। साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया में जो है ये किया जाएगा, लेकिन सिर्फ यही दोनों को रखा जाए तो ये अंडर 19 के लिए सही आंसर हो जाएगा। सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। 2027 में, ये भी याद रखना, 2027 में इसका वर्ल्ड कप होगा। 2023 में इंडिया में ये जो है आयोजित हुआ था, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच फाइनल हुआ, ऑस्ट्रेलिया ने इसे जीता और इंडिया यहां पे हार गई थी। दुख होता है, खैर कोई बात नहीं, आगे बढ़ेंगे। 13th मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 के फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच किसे दिया गया था? तो देखिए, प्लेयर ऑफ द मैच ड्रेविस हेट, और याद रखिएगा ये जो आईसीसी चैंपियंस जो टेस्ट चैंपियनशिप हुई थी उसमें भी इनको जो है फाइनल में इन्होंने इंडिया के बॉलर को बहुत धोया था, और ओडीआई में भी इन्होंने बहुत बॉलर को धोया, और यही इसके जो है मैन ऑफ द मैच बने थे। यहां से आप इनकी फोटो भी देख पाओगे। अगला सवाल है, विराट कोहली ने 50वां इंटरनेशनल शतक किस देश के खिलाफ लगाया था? तो देखिए, 50वां इंटरनेशनल शतक जो है विराट कोहली ने न्यूजीलैंड के खिलाफ लगाया था। याद रखिएगा, विराट कोहली पहले क्रिकेटर बन चुके हैं जिन्होंने 50 सेंचुरी लगाई है। इसके अलावा जो है 279 पारी इनिंग्स में जो है इन्होंने ये शतक लगाया है, और वर्ल्ड कप में विराट कोहली प्लेयर ऑफ द सीरीज भी रहे थे, 765 रन बनाया, और वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा रन बनाने में भी खिलाड़ी बन गए हैं। मोहम्मद शमी के बारे में याद रखिएगा, 24 विकेट इन्होंने लिया है, और वर्ल्ड कप में इंडियन बॉलर के द्वारा इससे ज्यादा विकेट किसी के द्वारा नहीं लिया गया है। मोहम्मद शमी को अर्जुन अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है, इन चीजों को आप याद रखोगे। अगला सवाल देखिए क्या है, इंटरनेशनल क्रिकेट के तीनों प्रारूपों में टेस्ट, T20, ODI में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले सबसे युवा खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो देखिए, इसका नाम है, इनका नाम है शेफाली वर्मा। यहां से आप शेफाली वर्मा की फोटो भी देख सकते हो। शेफाली वर्मा ने जो है इस नायाब जो रिकॉर्ड है वो अपने नाम कर लिया है। आगे बढ़ेंगे। सर सॉबर्स ट्रॉफी फॉर आईसीसी मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसने जीता है? तो देखिए, इसका जवाब दो है, याद रखिएगा, वेट ए मिनट, एक्चुअली इसका जवाब क्या है, पैट कमिंस ने जो है इसे जीता है, क्योंकि उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को वर्ल्ड कप जिताया था, तो ये पुरस्कार उन्हीं को मिला हुआ है। ऑस्ट्रेलियन टीम के कैप्टन है ये, तीनों फॉर्मेट के कैप्टन हैं ये। यहां से आप इनकी फोटो भी देख सकते हो। अब कुछ और पुरस्कार के बारे में बात कर लेते हैं। विराट कोहली जो है ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर बने हैं, चार बार ये उनको पुरस्कार मिल चुका है, 2012, 2017, 2018 और 2023 में। T20 की बात करें तो सूर्य कुमार यादव को ये अवार्ड मिला हुआ है, और T20 में स्काई यानी कि सूर्य कुमार यादव और उस्मान ख्वाजा जो कि ऑस्ट्रेलिया के टेस्ट क्रिकेटर हैं उनको ये पुरस्कार मिला हुआ है। आगे बढ़ते हैं, पाली उमर पुरस्कार 2019-2020 किस खिलाड़ी को दिया गया है? तो इसका देखिए जवाब क्या हो जाएगा, पाली उमर 19-20 के लिए, देखो एक्चुअली कोविड की वजह से जो है ये पुरस्कार नहीं वितरित किए जा रहे थे, और एक बार में ही जो है सभी लोगों को वितरित कर दिया गया। तो देखिए 19-20 के लिए मोहम्मद शमी को, और 20-21 में जो है ये पुरस्कार किसे मिला है, आर अश्विन को। 22-23 की अगर मैं बात करूं तो 22-23 के लिए जो है सुमन गिल को ये मिला है, और 21-22 के लिए जो है बुमराह को ये पुरस्कार मिला है। आप लोग प्लीज पेन पेपर पे इसे नोट डाउन कर लीजिएगा, यहां से आप मोहम्मद शमी की फोटो देख सकते हो, और यहां भी देखो डेट भी इन्होंने मेंशन कर दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला पुरस्कार, अगला जो क्वेश्चन है वो यहां से है, कर्नल सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया है? तो देखिए, रवि शास्त्री और फारूक इंजीनियर दोनों को यह पुरस्कार दिया गया है, यानी कि डी इसका आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, रवि शास्त्री जो कि भारतीय टीम के कोच भी रह चुके हैं और ये बहुत फेमस कमेंटेटर भी हैं, यहां से आप दोनों की फोटो देख सकते हो। यहां से फारूक इंजीनियर साहब है, यहां से रवि शास्त्री जी आपको दिख रहे होंगे। अगला सवाल देखिए क्या है, आईसीसी द्वारा सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेटर 2020-21 दोनों के लिए किसे चुना गया है? तो देखिए, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, बीसीसीआई के द्वारा पूछा गया है आपको। तो देखिए, बीसीसीआई के द्वारा जो पूछा गया आंसर है वो हो जाएगा स्मृति मंदाना, और याद रखिएगा ये जो वुमेन आईपीएल होता है उसमें आरसीबी की कैप्टन भी है, ये भी सवाल एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो मैंने आपको बता दिया। और 22-23 के लिए अगर आपसे पूछ लिया जाए, ये तो देखिए पुराना डेटा है, क्योंकि 4 साल के बाद एक ही बार जो है इन पुरस्कारों को वितरित कर दिया गया है। तो याद रखिएगा, 22-23 के लिए जो ये पुरस्कार है किसे दिया गया है, दीप्ति शर्मा को, दीप्ति शर्मा, ठीक है। यहां से स्मृति मंदाना की आप फोटो देख पाओगे। अगला सवाल है,
आईसीसी वुमेन्स क्रिकेटर ऑफ द ईयर जो है किसे दिया गया है? तो देखिए, वुमेन्स क्रिकेटर ऑफ द ईयर का जो अवार्ड है, इंग्लैंड की नेट साइवर ब्रैट को जो है ये पुरस्कार दिया गया है। याद रखिएगा, ए इसका क्या होगा, सही जवाब हो जाएगा। कुछ और चीजों को आप यहां से देख सकते हो। ओडीआई क्रिकेटर की अगर मैं बात करूं तो चमारी अट्टापट्टू जो कि कहां से है, श्रीलंका से, उनको ये पुरस्कार मिला है। और महिला टीम की बात करूं तो कैली मैथ्यूज जो कि वेस्ट इंडीज की है, T20 का पुरस्कार उनको मिला हुआ है। रणजी ट्रॉफी 2022-23 किस राज्य ने जीता? बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये सवाल। इसका जवाब हो जाएगा सौराष्ट्र। कौन है सौराष्ट्र ने? किसे हराया था? बंगाल को। याद रखिएगा, रणजी ट्रॉफी टेस्ट फॉर्मेट में खेले जाने वाली प्रतियोगिता है। यहां से आप फोटो भी देख पाओगे। अगला सवाल है, विजय हजारे ट्रॉफी 2023 किसने जीता? याद रखिएगा, विजय हजारे जो है ओडीआई फॉर्मेट में यानी कि 50-50 ओवर में खेली जाती है। इसे पहली बार हरियाणा ने जीता है। हरियाणा इसे पहली बार कभी भी विजेता नहीं रहा है। इसने किसे हराया? राजस्थान को। यह भी एग्जाम में सवाल पूछा जा सकता है। और यह कौन सा एडिशन था? 31st एडिशन था। अगला सवाल देखिए, किसने पवर्टी मेल एथलीट ऑफ द ईयर 2023 का अवार्ड जीता है? तो देखिए, यहां पे विराट कोहली ने यह पुरस्कार जीता है मेसी को हराकर। कितने वोटों से? 78-22 के वोटों से जो है विराट कोहली ने यह पुरस्कार जीत लिया। यहां से आप इसकी फोटो भी देख पाओगे। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। 2023 में किस भारतीय क्रिकेटर को अर्जुन अवार्ड दिया गया है? तो देखिए, 2023 के लिए मैंने आपको पहले ही बताया, मोहम्मद शमी को यह पुरस्कार मिल चुका है। और यहां से आप जो है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और सामने मोहम्मद शमी को अर्जुन अवार्ड देते हुए दिखेंगे। आगे बढ़ेंगे, भारत रत्न पाने वाले एकमात्र खिलाड़ी कौन है? भारत रत्न पाने वाले एकमात्र खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर हैं। इनके साथ एक जीके और आपको याद रख लेना है। सबसे कम उम्र में भारत रत्न पाने वाले खिलाड़ी कौन है? सचिन तेंदुलकर हैं। सचिन तेंदुलकर के नाम में 100 सेंचुरीज है जो कि अभी भी जो है ब्रेक नहीं हो पाया है। यहां से आप सचिन तेंदुलकर की फोटो और साथ में उस समय के जो राष्ट्रपति थे प्रणब मुखर्जी, इनकी मृत्यु हो चुकी है, भारत रत्न इनको दिया जा रहा है। इससे पहले सचिन तेंदुलकर ने अर्जुन पुरस्कार, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, पद्मश्री, पद्म विभूषण सभी चीजों से इनको सम्मानित किया जा चुका है। आगे बढ़ते हैं, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में टाइम आउट होने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? याद रखिएगा, ओडीआई वर्ल्ड कप से पहले ये 3 मिनट का समय मिलता था, लेकिन इस बार वर्ल्ड कप में समय को मैनेजमेंट करने के लिए 2 मिनट का समय दिया गया था। और इस 2 मिनट में एक बैट्समैन अगर आउट हो जाता है तो दूसरे को 2 मिनट के अंदर अंदर जो है क्रीज पे जो है गार्ड लेना पड़ता है, जो है क्रीज पे आना होता है। लेकिन एंजेलो मैथ्यूज ऐसा करने में असफल रहे और उनको टाइम आउट दे दिया गया। ये मैच श्रीलंका और बांग्लादेश के बीच खेला जा रहा था, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। और जो है इनके हेलमेट में कुछ स्टक हो गया था, फंस गया था, जिसके वजह से इनको ये आउट दिया गया। अब देखिए, 2023 में जो है सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी किसने जीती है? तो ये T20 फॉर्मेट में होता है। देखिए, टेस्ट वाला जो है सौराष्ट्र ने जीता है, ओडीआई वाला हरियाणा ने जीता है, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी पंजाब ने जीता है। किसे हराकर? तो पंजाब ने जो है ये जीता हुआ है। किसे हराकर, ये भी सवाल पूछा जा सकता है आपसे। तो बड़ौदा, याद रखिएगा, बड़ौदा को हराकर ये पुरस्कार किसने जीता है? पंजाब ने। ठीक है, यहां से आप पंजाब के जो विनर टीम है उनको भी आप यहां से देख सकते हो। अगला सवाल है, आखिरी सवाल है, इसका आंसर मैं नहीं करूंगा, नीचे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर करना है ताकि मुझे भी पता चल सके। आप सिर्फ लिखोगे क्वेश्चन नंबर 30 एंड आपको आंसर अपना नीचे कमेंट सेक्शन में लिख देना है। तो चलिए, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आगे आने वाले समय में अगर आपको फुटबॉल या फिर किसी और क्रिकेट के अलावा जो है कुछ और स्पोर्ट्स इवेंट की करंट अफेयर्स चाहिए होगा तो नीचे कमेंट करके लिखिएगा। वीडियो को यहां तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और पहली बार चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाना है आपको। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।